किसान भाइयों, मैं आज किशन चंद के यहाँ हूँ और उनका अपना एक बहुत प्यारा ट्रैक्टर है न्यू हॉलैंड 3030 जो उनके लड़कों ने लिया था। और देखो इसमें इन्होंने नए टायर डलवाए ये किशन चंद के पोते हैं, पोत्र। बेटे थोड़ा परिचय आपका। मेरा अनुराग कुमार नाम है जी। अच्छा अच्छा एक बात बताओ, जैसे ये ट्रैक्टर लिया आपने तो बिल्कुल नया सा लग रहा, कौन सा मॉडल है ये? 2009 है। नो मॉडल है। तो इसमें टायर आपने गिरवाए या आप कैसे पीछे से आए थे? नए टायर डलवाए थे पिछले चारों पिछले नए ये कुछ चले, लेकिन ये तो अभी 60 पैसे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो ये ट्रैक्टर कैसा लग रहा है? जैसे कई साल हो गए दिखे? हाँ इसे 3 साल हो गए। तुम लोगों ने कई ट्रैक्टर बदल दिए, पहले भी बदले, महिंद्रा वगैरह भी रखे, तो ये अच्छा लगा भी? अच्छे थे। देखो हर ट्रैक्टर की अपनी अलग खासियत है। अच्छा तो बाकी जैसे आज के टाइम में डीजल इतना महंगा हो रहा है, इसका मतलब खर्चा कम है, तो इसका जो हमने बाकी बहुत ट्रैक्टर चलाए और भी हैं रिश्तेदारी में, लेकिन इसका जो खर्चा है वो सबसे कम हमें इसका लगा। अच्छा कम खर्चा है, चाल ज़्यादा है, काम थोड़ा जल्दी करे औरों के मुकाबले। अच्छा वेट ये लगे लगाया है लगवाए थे? लगे हुए आए थे इसमें, लगवाए थे। MRF के टायर हैं भाइयों। देखो बरसात आ गई भाइयों, किसान का काम तो बंद हो गया खेतों में। अब देखो चारा लाना, गोबर ले जाना, यही काम है। और झोटे लोगों ने छोड़ दिए इसलिए क्योंकि झोटा अब इतना काम तो है नहीं, तो इसलिए झोटा भी वो खुंटा ही पाड़ा है बिना मतलब। और भाइयों कंडीशन देखिए आप, कहीं भी ट्रैक्टर लीकेज नहीं है कहीं से भी। ये देखिए आप, एक बूंद नहीं पड़ रही नीचे, साफ कंडीशन ट्रैक्टर है। बम्पर भी बड़ा मजबूत है इसमें। और भाई ये 3 सिलेंडर इंजन है। ये कितने HP का होगा? ये 35 HP। भाई ये 35 HP का है। पेंट तो ये ओरिजिनल ही होगा इसका। ये कराए थे थोड़े से मरगाड़। हाँ खुनी अच्छे होगी। एक बार सेल्फ मार दी उसकी चाबी है। साइड में गियर है भाइयों। क्या शानदार आवाज है, तो इसकी कुछ खास बात बताओ, जैसे कोई चीज़ और ट्रैक्टर में ना हो वो इसमें कंपनी ने दी हो। देखो जैसे साइड गियर शिफ्टिंग की बात है। अच्छा साइड गियर शिफ्टिंग काफ़ी कंपनियों ने कोशिश करी देने की, लेकिन एक साइड गियर शिफ्टिंग की आरामदायक मतलब कंफर्टेबल पोजीशन में होना, अच्छा तो वो बहुत आरामदायक है। गियर इतने सॉफ्ट डलते हैं, अच्छा तो उससे थकावट बहुत कम होती है, मतलब ऐसी फीलिंग आती नहीं कि ट्रैक्टर चला रहे हैं हम, गाड़ी चला रहे हैं। हाँ ऐसा लगे कि बिल्कुल कुछ बहुत हल्की चीज़ चला रहे हैं। और हाइड्रोलिक के बारे में थोड़ा, हाइड्रोलिक कैसी है इसकी? हाइड्रोलिक सेंसिंग इसकी बहुत हाई करी है, कि लिफ्टोमेटिक इसमें दिया है। एक मिनट मैं उधर आ रहा हूँ, अब बताओ क्या दिया? ये है ना, ये लिफ्टोमेटिक बटन दिया है इसमें। अच्छा इसका ये काम है, जैसे मान लो हमने एक जगह ये हाइड्रोलिक सेटिंग कर दी अपनी, ठीक, तो फिर बार बार इन्हें छेड़ना नहीं है। अच्छा। फिर अपना इसी बटन से ऊपर उठाओ और इसी से नीचे रखो। सही, न्यू हॉलैंड में दिया और किसी में नहीं आया आज तक? अभी हाल फिलहाल में फार्म ट्रैक में बता रहे हैं कि उसने भी दिया है। नहीं जो आपने चलाया उनमें तो हाँ, बाकी इसी में सबसे पहले। इससे आपको आराम दिखाई दिया? इससे काफ़ी आराम है, टाइम ये लगता ही नहीं है सेटिंग करनी, बार बार ही करनी। स्टीयरिंग गियर बॉक्स कोई आवाज़ हो, कोई मेंटेनेंस दिखाई दिया हो? कुछ नहीं कुछ नहीं। अच्छा डीजल खर्च कम है लगा इसका? डीजल खर्च कम है इसका, बहुत कम। स्पीड भी अच्छी सड़क पर भाग रही है, चाल ज़्यादा है इसकी सड़क पर भी, खेत में भी। तो बेचने का मूड है? नहीं ना भी नहीं है। तो किसान भाई देखो अच्छी चीज़ को कोई नहीं बेचता, और ये ट्रैक्टर बहुत ही अच्छा है, बहुत प्यारा, जिसको ये बेचना नहीं चाहते बिल्कुल भी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, पहली बार जुड़े हों तो सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार।